नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी है। आपका रिजल्ट कब आएगा कंफर्म हो गया है, मैं आपको बताऊंगा कब आएगा और कितने बजे आएगा। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है। और दोस्तों एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, अगर आप सुनेंगे तो काफी खुश हो जाएंगे और कहेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ऐसा है। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बस आप लोग पेशेंस रखिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपको बता देते हैं जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको ले चलते हैं जहां पे न्यूज पब्लिश किया गया है, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं अमर उजाला में ये न्यूज पब्लिश किया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 15 मई को सुबह 11 बजे जारी करने की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट 15 मई को 11 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों बोर्ड की तरफ से खुलासा हुआ है कि आप सबका रिजल्ट बेहतर आएगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी बच्चे पास हो जाएंगे, बोर्ड ने खुलासा किया है। बोर्ड ने कहा है कि बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बच्चों की जब कॉपी चेकिंग की गई उस दौरान पाया गया कि बच्चे काफी अच्छा आंसर दिए हैं और बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि ऐसे नहीं हो सकता, तो दोस्तों ऐसा है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसके पीछे रीजन आप जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं करते हैं, जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, उनका रिजल्ट कहां से अच्छा आ सकता है? आप कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों, कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो केवल उठते हैं और पेपर देने चले जाते हैं, तो वो कैसे पास होंगे? अगर बच्चा रेगुलर कॉलेज अटेंड किया है और कंसिस्टेंसी बनाए रखा है तो वो जरूर पास हो जाएगा, भले ही वो कम पढ़ा हो। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी जान सकें और उन्हें काफी राहत मिलेगी कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वो घबराएंगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए ही तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।